आज बुधवार है 14 अप्रैल 2021, जुकुम रमजान 1442 हिजरी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अखबार की सुर्खियां। आज शुरुआत करते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा से। उज़्मा की शाह सुर्खी है, दूसरी लहर का कहर जारी, 3-4 रिकॉर्ड 1269 मजबत, जम्मू में 582, वादी में 687 और सफर से लौटने वालों की तादाद 447 दर्ज। भारत में 1,62,000 का इजाफा, 24 घंटों में 879 अमवात। जम्मू और कश्मीर में 14 लाख लोगों ने कोरोना मुखालिफ वैक्सीन लगवाए। एक और सुर्खी है, तरावी पढ़ने वाले शुगर मरीजों को वर्जिश की जरूरत नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज कलब, गुर्दों और ज़याबतिस में मुब्तला हामिला खवातीन का रोजा, माहरीन की हिदायत। एक और सुर्खी, माह रमजान के मुबारक महीने की शुरुआत, मसाजिद व खानकाहों में नमाज तरावी अदा। आज के रोजनामा चट्टान से सुर्खी है, लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा रामबन, शिकायत के फौरी अजाले के लिए हिकमत अमली अपनाएं, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को हिदायत। तरक्याती सरगर्मियों, फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी का जायजा। एक और सुर्खी, पूरे बरसगीर के साथ कश्मीर में भी पहला रोजा आज, कोरोना वायरस के सबब रमजान की रौनकें मादूम, कई जगहों पर इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी। रोजनामा श्रीनगर टाइम्स की शाह सुर्खी है, लिखा है 2 अस्करियत पसंद और 3 अपर ग्राउंड मददगारों की गिरफ्तारी का दावा, गिरफ्तार शुदगान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया गया और बरामदशुदा हथियारों की नुमाइश की गई। आज के बीएबी के कार्टून पर एक नजर। एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम की रमजान के दौरान कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की अपील। एक और सुर्खी, सीबीआई की टीम ने छापा के दौरान पासपोर्ट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम। आज के रोजनामा आफ्ताब से सुर्खी है, लिखा है बेटे की हलाकत के बाद कृष्णा ढाबे के मालिक ने दोबारा कारोबार शुरू किया, कहा अगर गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा किया जाएगा तो उसे कोई एतराज नहीं, वो भी अपने वालिदैन के लगते जिगर है। एक और सुर्खी, फौज की 15वीं कोर के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल पांडे का दौरा जनूबी कश्मीर, कहा फौज और आवाम के दरमियान बेहतर रवाबित कायम अमन के लिए लाजमी। रोजनामा तामिल इरशाद रकम तराज है, गैर कोरोना मरीजों के लिए सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद, जराहियों का अमल भी मुअत्तल, सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया तश्वीश का इजहार। एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में कोरोना इन्फेक्शन की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में इन साल 4 गुना ज्यादा, रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी, अतिल डिल्लू। एक और सुर्खी है इसी अखबार से, लोगों को आसानी के लिए तमाम ऑनलाइन खिदमात दस्तियाब रखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अफसरान को हिदायत, ई गवर्नेंस निजाम को मुस्तकम बनाने पर जोर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान को कौमी शाहराहों की मुनासिब देख रेख को यकीनी बनाने की तलकीन। रोजनामा एशियन मेल से सुर्खी है, लिखते हैं वादी में बैसाखी का त्योहार मनाया गया, मुगल बागात को सयाहों और सैलानियों के लिए खोल दिया गया। एक और सुर्खी, कश्मीर में नवरात्रि त्योहार की तकरीबात का आगाज। एक और सुर्खी है इसी अखबार के बॉटम में, हंदवारा में एक पुरवकार अदबी तकरीब, बख्शी मुश्ताक अहमद की ताजा किताब बस्ती बस्ती जंगल जंगल की रोनमाई। आज के रोजनामा कश्मीर ट्रिब्यून से सुर्खी है, लिखते हैं मरकजी सरकार की कश्मीर की सूरत हाल पर कड़ी निगाह, कश्मीर भारत का ताज, इसको ताज के तर्ज पर ही सजाया जाएगा, पड़ोसी कश्मीरियों की खुशहाली देख नहीं सकते, जम्मू और कश्मीर के नौजवान तामीर और तरक्की के साथ साथ जमहूरियत पसंद भी, मरकजी वजीर दिफा। आज के रोजनामा सिटी टाइम्स से सुर्खी है, लिखा है आज से मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान। एक और सुर्खी है इसी अखबार के बॉटम में, जम्मू और कश्मीर में बैसाखी का त्योहार जोश और खरोश के साथ मनाया गया, सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई।
आज के रोजनामा श्रीनगर जंग से सुर्खी है, लिखा है पुलवामा में ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा धमाका खेज मवाद बरामद, जुनूबी कश्मीर में सरगर्म जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक और सुर्खी है, वेंकैया नायडू किसी को मसले कश्मीर पर बोलने से रोक नहीं सकते, हम कश्मीरी इस मसले पर बोलते रहेंगे, प्रोफेसर सोल्स। आज के रोजनामा गडियाल से सुर्खी है, लिखते हैं गुप्कार अलायंस की लंबी खामोशी और मोहतात रवैया, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी समझने से कासिर है। आज के रोजनामा इंडियन टाइम्स से सुर्खी है, लिखा है मुशीर बशीर खान ने इंडस्ट्रियल इस्टेट जकोरा और सिविक पार्क का दौरा किया, बुनियादी ढांचे और यूनिटों के कयाम का जायजा लिया। एक और सुर्खी है, बारामूला से सादक जिला नायब सदर कांग्रेस पंचायती मेंबरान और सियासी कारकुनान के हमरा अपनी पार्टी में शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अल्लाह हाफिज़।